ये कितने की भैंस आपकी रहे होंगी दोनों? अरे लगभग 1.5 के हेर फेर में, एक पणिया तो बहुत बहुत की। अब ये मत, अब तो घटना हो गई है, मतलब 1.5 लाख के, 1.5 लाख के आसपास। दूना गांव में हूँ, यहाँ बीती रात पशु तस्कर, चोर जो पिकअप से आते हैं, वह यहाँ से, एक पशुपालक है, किसान है, इनकी दो भैंस चुरा ले जाते हैं, और पुलिस की निष्क्रियता के कारण इस तरह की घटनाएं अक्सर घट जाती हैं। जैसे ही ठंडक का मौसम बढ़ता है, चोर सक्रिय हो जाते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, ये जौनपुर जनपद की एक बहुत बड़ी घटना है। इस तरह हर सत्र में ठंडक का मौसम जब शुरू होता है, पशु तस्कर आते हैं और भैंसे चुरा के ले जाते हैं। अभी तक हजारों से ज्यादा भैंसे चोरी हो गई होंगी जौनपुर जनपद, लेकिन कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है। पशु तस्कर आते हैं, जबरदस्ती भैंस लाते हैं और लेके चले जाते हैं। और कहीं कहीं तो यदि पशुपालक किसान जाग जाता है तो उसे मारपीट कर घायल भी कर देते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। भिदुना गांव में भी इस तरह की घटना हुई है। शंभू शंभुनाथ यादव हैं भिदुना के, इनकी भैंस बीती रात चोर खोल ले गए, पशु तस्कर अपने पिकअप पे बात कर दो भैंस जो है लेके चले गए। हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये घटना कैसे हुई, बताएं। ऐसा है कि ठंडक का लगभग 1 बजे लाइन कटी, 1 बजे के बाद तो उसी में घटना ये हुआ हाँ, है। पास हो लीजिए। 1 बजे के बाद यह घटना हुआ है। आगे पिकअप थोड़ी दूर पे वहीं लादे हैं। जब सुबह मैं 6 बजे उठा भैंस निकालने के लिए, और मैं बिजनेस करता हूँ और दूध में डेयरी भी जाती है, मार्केट भी जाती है, लेकिन हम जब देखा बैल पहले बने थे, गाय पहले बनी थी और भैंस नहीं थी, तभी मैं झटका लगा। फिर बाद हम अपनी औरत से बोला कि भैंस तो चोर छोर लग गए। तो मेरी औरत गई घर और परिवार को बताई, और परिवार भी आए। जब आए नहीं तो जहाँ लदी है भैंस, करीब 1 बीघे के कुछ दूर पे भैंस बसवारी है, उसी बगल में पुलिया है, उसी में लाद के लेके गए हैं। वहाँ शिनाकत भी है, अभी अब तक भी शिनाकत है वहाँ, जहाँ गाड़ी खड़ी है, भैंस गोबर की है और भैंस का बच्चा हमारे पास है। एक एक भैंस गाभिन है, गाभिन है, 2-3 महीने की समय थी यानी लाइन। एक लग रही थी, एक गाभी ने उसको ले गए। जी अच्छा, तो जी ये पुलिस को सूचना दी आपने, पुलिस हाँ जी सर, 112 दिया था। 112 नंबर को दिया। वो आई, वो गई और थाने पे जा रहे हैं, अच्छा, उग्र साहब जा रहे हैं। तो ये कितने की भैंस आपकी रहे होंगी दोनों? अरे लगभग 1.5 के हेर फेर में, एक पणिया तो बहुत बहुत की। अब ये मत, अब तो घटना हो गई है, मतलब 1.5 लाख के, 1.5 लाख के आसपास। पणिया तो बहुत कीमती हमारी थी, अगर छलकती तो 80-85 हज़ार की तो अकेली ही थी, अच्छा, लेकिन अभी उसमें कच्ची थी, हाँ, तब पर भी हमारा बहुत लंबा एक बिजनेस भी मेरा रुक गया है। तो कितना दूध देती थी भैंस? भैंस दोनों मीटिंग में 7 से 8 लीटर तक वो देती थी ठंडक में। कितना इससे इनकम कर लेते थे आप? अब इमकन की जैसे कि अगर डेयरी पे जाते तो 1 लीटर में 42-43 फाइट पड़ता है, तो वही मार्केट से कि है, अगर 4 लीटर 5 लीटर दिए वहाँ, और कुछ और बाहरी भी दुहाई करा करके मैं मार्केट बाजार में देता हूँ, वो कि 250-300, 300, 350-300 का मेरा आमदनी रोज का है। यानी कुल मिला जुला के अपने परिवार का खर्चा आप इसी भैंस के जो दूध देती थी उसी से निकालते जी थे। जी जी अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसान दिन भर खेती करता है, रात में चैन से सोना चाहिए उसको, फिर सुबह उठ के खेती करनी है, तो ऐसे में सरकार का दायित्व तो बनता है कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जबकि सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि किसानों की हम सुरक्षा करेंगे, और किसानों को इस तरह के कोई किसी भी घटना से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाएगी, पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, लेकिन होता क्या है, इसके उलट होता है। पुलिस निष्क्रिय है और चोर उचक्कर सक्रिय है। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो है, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार यादव।
तो इस तरह की घटना जो अक्सर हो जा रही है, ये नई घटना तो होती नहीं, पशु तस्कर आते हैं आप सुनते होंगे, तो पुलिस कुछ कार्रवाई कर पाती है? पुलिस को तहरीर दी जाती है, इसके बाद जो ठंडे बस्ते में रख देती है और कुछ उस पर कार्रवाई की नहीं जाती है। इसके बाद जो है, अब आज जैसे मेरी भैंस चोरी हो गई, 112 नंबर हमने डायल किया, 112 नंबर आया और जो है सूचना लिए, इसके बाद चले गए, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तहरीर देने जा रहे हैं थाने पे, अभी तहरीर देने जा रहे हैं। देखिए मैं बता दूं, ये 3-4 साल से घटनाएं हो रही हैं, पिकअप सवार पशु तस्कर आते हैं, भैंसों को खेत से उठा ले जाते हैं और ठंडक के महीने में ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। 3 साल पीछे जाएं आप तो पशु तस्कर गोधना में, बरावा में, अदारी में, तिलोरा बाजार में सड़क के बगल सोए लोगों को मारकर घायल भी कर दिए थे। उनको लगता है जब किसान उनका विरोध करता है तो वो पथराव करते हैं, और पुलिस भी डरती है। और एक घटना भी हुई थी गोधना तिराहे पे, पुलिस के एक जवान को मारकर घायल कर दिया था इन पशु तस्करों ने। ये काफी मनबढ़ है और ये काफी क्रिमिनल हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस भी शायद उनसे बचती रहती है, इसलिए ऐसी घटनाओं का खुलासा नहीं कर पाती। रात में कहीं सुनने को नहीं मिलता कि पुलिस ने पशु तस्करों की गाड़ी पकड़ ली, पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण जो है पशु तस्करों का मनोबल बढ़ा है। मैं ये जहां घटना है, ये मीरगंज थाना क्षेत्र का भिदुना गांव है, इसके बगल में बरसठी थाना लग जाता है, इसी सीमा से सटके। यहां गोधना में भी पुलिस बूथ पर पुलिस रहती है, बधवा बाजार में भी पुलिस बूथ रहती है, जंघई चौकी है, फिर आपका मछली शहर है, बरसठी थाना है। तो ये दूसरे जिले से पशु तस्कर आते हैं और फिर पशु को लादते हैं और वो जिले को क्रॉस कर जाते हैं। कितने भी बड़े दावे पुलिस करती है, सरकार करती है, लेकिन इन पशु तस्करों को सरकार नहीं पकड़ पा रही है, जिससे किसान परेशान है। हम किसानों को इस घटना से सावधान भी करते हैं कि अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए आप रत जगा करिए और पशुओं को बचाइए। इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।